उपदेश उपदेश शब्द अभ्यास शब्द दसवां। गुर कह खोल कर पाई लग शब्द अनाहद जाई। मैं हमेशा ही अर्ज करता हाँ कि महात्मा किसी कौम किसी मजहब किसी मुल्क किसी वक्त अंदर क्यों ना हो, हर एक महात्मा का एको ही संदेश है, हर एक महात्मा का एको ही उपदेश है, हर एक महात्मा सानू परमात्मा दे भगती करन दा एको ही तरीका और साधन समझाता है। जितने भी अपने मजहब हैं इन्हां दे रस्मों रिवाज देखण विच सानू जरूर आपो अपने नज़र आउंदे हैं, क्योंकि इंसान ने अपनी जरूरत के मुताबिक खुद पैदा किए हुए हैं। लेकिन जिहड़ी रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ है, बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वो हर एक मजहब के तय के अंदर एको ही चीज़ होती है। महात्मा केवल साढ़े अंदर उस रूहानियत को हासिल करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, क्योंकि जितना अरसा असी उस रूहानियत के रंग में नहीं रंगे जावांगे, साडा देह दियां बंधना तो मरण जमन दियां दुखा तो कदे भी किसी हालत अंदर छुटकारा नहीं हो सकता। और उस रूहानियत को मुख्तलिफ महात्मा ने मुख्तलिफ वक्तां मुख्तलिफ कौमां मजहबां मुल्कां अंदर आके मुख्तलिफ लफ्ज़ां के जरिए सानू समझाने की कोशिश की है। जिस वक्त असी ऋषियां मुनियां दी वेद शास्त्र पढ़ते हाँ, उन्होंने उसनू आकाशबाणी राम नाम राम तो निर्मल ला दिपतुनी होर कई लफ्ज़ां नाल याद किया है। मुसलमान फकीरां ने कलमा बांग असमानी कलाम इलाही नदाए सुल्तानी होर कई लफ्ज़ां नाल याद किया है। इसी तरह क्राइस्ट ने वर्ड या लोगास क्या है और उसे स्पिरिट या होली नेम क्या है, होली घोस्ट भी कह के बयान किया है। और आम संता महात्मा ने शब्द और नाम ही कह के याद किया है। स्वामी जी महाराज उसनों मूल कलाम भी एक दगा कह के लिखते हैं। साडा लफ्ज़ां नाल कोई बहस मुबासा नहीं है। जितना अरसा असी उस रूहानियत की खोज नहीं करते, रूहानियत की लज्जत अंदरों हासिल नहीं करते, साडा मरण जमन दे दुखा तो कदे भी छुटकारा नहीं हो सकता। इन्हां मजहबां दा आपस विच दी कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि इन्हां दी बुनियाद हमेशा रूहानियत दे बुनियाद ते रखी जाती है। झगड़ा है तो उन्हां लोकां दा जिन्हां कि जिन्हां ने मजहब नूं अपना प्रोफेशन बनाया होया है, पेट का धंधा बनाया होया है, रोजगार का मसला बनाया होया है, वो शरीयत का आसरा लैके हमेशा साढ़े अंदर झगड़े खड़े करते हैं। अगर अनबायस्ड माइंड करके किसी भी महात्मा की तालीम की उपदेश की तुसी खोज करो, किसी भी मजहब के तय के उपदेश के नीचे पहुँचने की कोशिश करो, यो समझ आती है कि हर एक महात्मा का एको ही संदेश है, हर एक महात्मा का एको ही उपदेश है। बड़ी मामूली दियां गल्लां हन। हर एक महात्मा यो कहता है कि एक परमात्मा है। हर एक महात्मा ने यो उपदेश किया है कि वो साढ़े शरीर के अंदर है और उस दे मिलन का रास्ता भी शरीर के अंदर है, मिलना भी हर एक नूं शरीर के अंदरों है। कोई किसी तरह अपने शरीर के अंदर अपने अंदरों मालिक नूं खोजे, किसी का किसी नाल की झगड़ा हो सकता है। झगड़े तो जदों असी बाहर मुखी शरीयत के ताबे होकर मालिक की खोज करते हाँ, फिर साढ़े सारे खड़े होंदे हैं। सो स्वामी जी महाराज भी कैसे महात्मा हैं जिन्हों ने नरोल रूहानियत का प्रचार किया है। कोई कौम नहीं बनाई, कोई मजहब नहीं बनाया। ना कदे सानू कोशिश करनी चाहिए है आप दे इतने सुच्चे रुचे उपदेश को कोई कौम की शक्ल देने की कोशिश करिए, कोई मजहब की शक्ल देने की कोशिश करिए। आप दे उपदेश को असली मैने अंदर खोज करने की कोशिश करनी चाहिए है। आप समझाते हैं ये आप दी बाणी है। आप फरमाते हैं कि हर एक दुनिया का जीव खुशी और शांति हासिल करना चाहता है, लेकिन वो सुख और शांति के प्राप्ति के वास्ते आम तौर पर साडा ख्याल किस तरफ जाता है? ऐस रचना दियाँ शक्लों की तरफ जाता है, रचना के पदार्थों की तरफ जाता है। कोई पुत्रा धियाँ चो सुख ढूंढता है, कोई शादी चो सुख ढूंढता है, कोई तन दौलत चो सुख ढूंढता है, कोई हुकूमत के नशे चो सुख ढूंढता है, कोई शराबा कबाबा दियाँ लस्तां चो सुख ढूंढता है। लेकिन इन्हां शक्लां और पदार्थां दे अंदरों ना अज तक कदे किसी नूं सुख और शांति प्राप्त होई है, ना कदे हो ही सकती है। जो भी थोड़े बहुत सानूं सुख नज़र आउंदे हन, अरसा पा के आहिस्ता आहिस्ता सब दुखा अंदर तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो भी साढ़े सुख हैं, ये टैंपरेरी, जो जिन्होंने चीज़ों चो सुख ढूंढते हैं, ये सब चीज़ा टैंपरेरी हैं, आरजी हैं। इन्हों के सुख और आराम भी तुसी सोचो टैंपरेरी और आरजी ही हो सकती है। जिस चीज़ का दिन रात साढ़े हथों जान का सानू पै बैठा होया है, गम और फिक्र बैठा होया है, तुसी देखो उस चीज़ को हासिल करके साढ़े मन में हमेशा वास्ते खुशी किस तरह आ सकती है। शादी होंदी है, जरूर मन में खुशी महसूस होंदी है, नाल ही मन में पै बैठ जाता है। ये जिंदगी का साथी किसी बदकार ना हो जावे, शराबी ना हो जावे, जुआरिया ना हो जावे और लोगों के मगर लग के लड़ना पिड़ना ना शुरू कर देवे, फजूल खर्च ना हो जावे, किते बीमार ना हो जावे, किते एक्सीडेंट ना हो जावे। 24 घंटे साढ़े मन में चिंता और फिक्र लग्या हुआ है। ये जड़ा मन में पै बैठ गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता साड़ी सारी खुशी नूं नेस्त तो नबूद कर दिंदा है। इस तरह जिस वक्त साढ़े बाल बच्चे होंदे हैं, आपां जरूर खुशी महसूस करते हैं, मठियाइयां भी तकसीम करते हैं, पुनदान भी करते हैं, यारां दोस्तां नूं भी इकट्ठे करते हैं। लेकिन हर एक का तजर्बा है, उन्हां दियां कितनियां कितनियां मसले सारे जिंदगी अंदर सानूं हल करने पैंदे हैं। उन्हां दी परवरिश दे वास्ते की दुख उठाउंदे हैं, स्कूलां कालजां विच उन्हां दे दाखले नहीं मिलते, फिर कोई ड्रग खाने शुरू कर दिंदा है, कोई पैड़ी खोटी कंपनी विच पै जांदा है, कोई चोर और जोहारिया बन जाता है, वो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को परमात्मा औलाद को वापस बुला लेंदा है। वो औलाद देखो अपने वास्ते कितना दुख का कारण बन के खड़ी हो जाती है। फिर आप हुकूमत के नशे चो सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जदों लोग साढ़े जलूस कढ़ते हैं, साढ़े गल विच फुल्लां दे हार पाउंदे हैं, सानू हथ जोड़ते हैं, मत्थे टेकते हैं, साडा मन फुलिया नहीं समाउंदा। लेकिन जदों असी बड़े बड़े लीडरां दी हिस्टरी वो लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने ही लोगों ने गोलियां का शिकार बना दिता, चुक के जेल खानिया में बंद कर दिता, पैर हेठा मिट्टी पलीत करनी शुरू कर दी। उन्होंने मन में भी भय और डर बैठ जाता है कि पब्लिक कल को मेरी ये हालत ना करनी शुरू कर दे। फिर असी धन दौलत चो सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला तो इस दे कमाउण दे अंदर देखो कितने कितने दुख और मुसीबत सहते हाँ, देशों विदेश तक सानू जाना पैंदा है। फिर असी कितने कितने जिंदगी के उच्चे कीमती असूलों नू कुर्बान करते हाँ और फिर जदों रखते हाँ दिन रात चिंता लगी हुई है, दिन रात फिक्र लगा होया है। कभी इनकम टैक्स का डर लगा होया है, कभी सेल टैक्स का डर लगा होया है, कभी चोरां और डाकुआं का डर लगा होया है, कभी शेयरां की कीमत कम हो जाती है, कंपनियां फेल हो जांदियां हैं, कभी यार दोस्त मुकल जाते हैं, कभी डिग्रियां वसूल नहीं होंदियां। 24 घंटे दिन रात चिंता और फिक्र विच ही फसे रहंदे हैं। जदों जाती है अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फसा के जाती है, डॉक्टर दियाँ फीसां में होके निकल जाती है, मुकदमिया के खर्चा में होके निकल जाती है। फिर असी शराबा कबाबा दियाँ लज़्ज़तां चो सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ां सानू खाण पीण नूं शायद बहुत अच्छियां लगदियां हैं, लेकिन जदों जिस्म ते बीमारियां दा हिसाब किताब देना पैंदा है फिर होश आती है कि ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है। इन्हां चों सानू सुख और शांति क्यों प्राप्त नहीं होंदी? स्वामी जी समझाते हैं, तजो मन जे दुख सुख का ताम, ये जी दुनिया है ये परमात्मा ने दुखा और सुखा की बनाई हुई है। कोई शख्स नहीं मिलता जिसनों हमेशा दुख ही दुख प्राप्त होंदा होवे, कदे सुख दे सुआस ना आए हो, या जिसनों हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होंदा होवे, कदे दुखा का सामना ना करना पैदा होवे। अगर 10 दिन सुखा दे गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुखा का सामना करना पैदा है। 10 दिन दुखा दे गुजर जाते हैं, थोड़े बहुत सुख के सुहास आते हैं। जितने भी दुख हैं पिछले जन्मां के पापां के कारण हैं, जितने भी सुख हैं पिछले जन्मां के पुन्नां के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होंदे हैं तां सानू इंसान का जामा मिलता है। असी इस शरीर विच बैठ के सोच लो, उन्हां पुण्य का भी हिसाब देना है, उन्हां पापां का भी हिसाब देना है। किसी दे पुण्य ज़्यादा हैं, पाप कम हैं, ज़्यादा सुखी होवेगा, घट दुखी होवेगा। किसी के पापों का बोझा ज़्यादा हो जाता है, पुण्य का कम हो जाता है। ज़्यादा दुखी नज़र आता है, थोड़ा सुखी नज़र आता है। लेकिन दुख सुख तो हर एक को भुगतना ही पैंदा है। ना ही कदे कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने वास्ते आते हैं। अगर संतां महात्मा का इस नूं सुख की नगरी बनाने का ख्याल होवे, तुसीं सोचो अज तक दुनिया जरूर सुख की नगरी बन जानी चाहिए सी। क्योंकि हर एक कौम के अंदर, मजहब के अंदर, मुल्क के अंदर देख लो किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। बुद्धा आया है, ईसा आया है, मुहम्मद साहब आए हैं, रामचंद्र जी महाराज आए हैं, कृष्ण जी महाराज आए हैं। बुद्ध इसे तरह गुरु नानक साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, स्वामी जी महाराज आए हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा दुनिया में आने के बावजूद ये दुनिया उस तरह देख लो किस तरह एक दूसरे के खून दे प्यासी हुई बैठी है। अगर ऐसे महात्मा आके इस दुनिया को सुख की नगरी ना बना सके, असी हुण की उम्मीद लैके बैठे हाँ कि असी इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकांगे। दुनिया के कांटे आपां कितने इकट्ठे करने की कोशिश करिए, कदे कामयाब नहीं हो सकते। हिम्मत करके अपने ही पैरों अंदर बूट पा लईए, दुनिया के कांटे साढ़े पैरों पर असर ही नहीं करते। ये दुख सुख के मसले ना कदे किसी कोलों हल होए हैं, ना कदे हो ही सकते हैं। महात्मा मालिक दे भगती करन दा, जिंदगी गुजारन दा ऐसा तरीका और रस्ता समझाते हैं जिस रस्ते चल के असी दुखा और सुखा तो ही अपने ख्याल नूं चले जाते हैं। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। जिहड़े शख्स अपने घर पहुँच जाते हैं क्या मालिक की भगती करके मालिक नाल वसाल कर लेंदे हैं, वो हमेशा वास्ते सुख और शांति प्राप्त कर लेंदे हैं। इसे वास्ते स्वामी जी कहते हैं, चढ़ कर लगो अब सतनाम। अगर तुसी सुख हासिल करना है उस सतनाम की खोज करो। जितना चिर तुसी उस सतनाम की खोज नहीं करते, सतनाम नाल नहीं मिलाप करते, तुहाडा देह दियां बंधना तो, मरण जमन दे दुखों तो कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। दुनिया चो भी जरूर आपां सुख प्राप्त होंदे हैं, बशर्ते कि साडी लिव मालिक दे भगती विच रहिंदी है, मालिक दे प्यार विच रहिंदी है। मैं कई दफ़ा मिसाल दिती है, एक छोटा जिहा बच्चा अपने पिता दी उंगली पकड़ के मेले अंदर जाता है। उस नूं मेले अंदरों देखो हर चीज़ कितनी खूबसूरत मालूम दिंदी है। किसी जगह बच्चियां दे खिलौने पए हुए हैं, किसी जगह बिजलियां चमकदियां बुझदियां हैं, किसी जगह मठियाई दियां दुकानां लगियां होइयां हैं। वो बच्चा सोचता है कि उसनूं खुशी शायद इस बाजार दे इस मेले दे साजो सामान चों मिल रही है। अगर गलती दे नाल वो पिता दी उंगली छड़ देवे, वो नुमाइश का सारा साजो समान उस ही जगह मौजूद होंदा है। वो बच्चा रोना शुरू कर दिंदा है, चीखा मारदा है। फिर वो महसूस करता है कि वो खुशी उतना अरसा हासिल कर सकता सी जितना चर उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई सी। साडा कौन पिता है? सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है। जितना चर साडी लेव उस मालिक दे भगती विच नहीं लगती, उतना चर साडा कदे सुख और शांति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसे वास्ते आम संतां महात्मा ने इसनू स्त्री और पति का रिश्ता कह के समझाया है कि स्त्री हमेशा पति के चरणों चो ही सुख हासिल कर सकती है। अगर वो पति के चरणों तो दूर चले जाती है, जो मर्जी दुनिया दी नियामत बख्श दो, उसके मन में कदे सुख नहीं आता, उसके मन में कदे शांति नहीं आती। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, नानक दुखिया सब संसार से सुखिया जो नाम आदा। सब दुनिया के जीव आपो अपनी जगह दुखों और मुसीबतों अंदर फसे हुए हैं। असली सुख और शांति उन्हें ही गुरमुखां नूं है जिन्होंने ऐस रचना चो अपने ख्याल नूं कढ़िया होया है, मालिक दे भगती और मालिक दे प्यार विच अपने मन नूं जोड़िया होया है। सो अगर सुख है वो मालिक दे भगती विच है, मालिक दे प्यार विच है। इसे वास्ते सानू हर एक नूं उस परमात्मा की खोज है। इसे वास्ते हर एक महात्मा साढ़े अंदर मालिक दे मिलन का शौक पैदा करता है, मालिक दे मिलन का प्यार पैदा करता है। हुण असी सब दुनिया के जीव आपो अपनी अकल के मुताबिक हज़ारां ही जुगतियां और तरीकियां दे नाल उस परमात्मा नूं ढूंढण की कोशिश करते हाँ। देख लो, जप तप करते हाँ, पूजा पाठ करते हाँ, पुन दान करते हाँ, घर बार छड़ के जंगलों पहाड़ों में छुप के बैठ जाते हाँ। रोज़ मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में चक्कर मारते हाँ, महात्मा के दीवाना और सत्संगां में जाते हाँ। कदे जिसम ते पबूत लगा लेने हाँ, कदे कन पड़वा लेने हाँ, कदे जटा रख लेने हाँ, कदे तीर्थ यात्रा नूं तुर पैने हाँ, कदे सरोवरां में जाके इशनान करने शुरू कर देंगे हाँ। ये सारे साधन सारे तरीके केवल आपां एक परमात्मा दे मिलन वास्ते ही करते हाँ। लेकिन स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इन साधना और तरीकों के नाल कदे भी तुसी भगती दे अंदर कामयाब नहीं हो सकते। हर एक दे अंदर कुदरती खिंच है, कशिश है अपने असल की तरफ। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए न पाई। भगती तो सारे दुनिया के जीव आपो अपनी अकल के मुताबिक मालिक की भगती में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा जोर मारती है परमात्मा के मिलन वास्ते। लेकिन लोग मन के मगर ला के बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड विच फस जाते हैं। अगर किते महात्मा के द्वारियां से जाते भी हाँ, उन्होंने खड़ावां की पूजा करनी शुरू कर देवांगे, उन्होंने समाधां ते मत्थे रगड़ने शुरू कर देवांगे, उन्होंने तस्वीरां और बुतां ते सिर मारने शुरू कर देवांगे, उन्होंने मकानां दे चक्कर मारने शुरू कर देवांगे, उन्होंने सरोवरां खूहां दे पानी पीने शुरू कर देवांगे। जो उन्हों का असली उपदेश है, जो उन्होंने असली तालीम है, उसकी कोई खोज नहीं करता, उस उत्ते चलण की कोई कोशिश नहीं करता। इस वास्ते महात्मा कहते ये पूजा थाए ना पाई। ये जिहड़ी मन दे मगर लग के तुसी मालिक की भगती और पूजा करते हो, इस भगती और पूजा ने कदे भी तुहानू थोड़े ठिकाने ते नहीं पहुँचाउणा। केड़ा मालिक दे भगती करन दा, मालिक की पूजा करन दा, मालिक दे मिलन दा तरीका है। स्वामी जी समझाते हैं, गुर कहें खोल कर पाई लग शब्द अनाहत जाई। भरावा अगर तू परमात्मा नाल मिलना चाहना है, तू गुरमुखां कोल जाके अपने ख्याल नूं अंदरों अनहद शब्द दे नाल जोड़। जितना चिर तू गुरमुखां दे जरिए अनहद शब्द दी अंदरों लज्जत नहीं हासिल करदा, अनहद शब्द दियां अंदरों तुनकारां नूं नहीं पकड़ेगा, उतना चिर तेरा देह दियां बंधना तो कदे किसी हालत अंदर छुटकारा नहीं हो सकता। यो गुरु नानक साहब ने कहा सी, हर की पूजा दुलंभ है संतो कहना कछु न जाई। मालिक दी भगती दी महिमा कदे बयान ही नहीं की जा सकती। लेकिन मालिक दी भगती किस तरह करनी है समझाते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई। कोई मालिक दा भगत मिल जावे, मालिक दा प्यारा मिल जावे, वो तेनों शब्द और नाम की कमाई करन दा तरीका और साधन समझा देवे, तां तू परमात्मा की भगती कर सकता है। सो जेड़ी भगती उस परमात्मा नु मंजूर है आप समझाते हैं वह शब्द की कमाई है वह नाम की कमाई है। इस वास्ते कबीर साहब कहते लूट सके तो लूट ले राम नाम नित लूट। अगर देह विच बैठ के कोई इकट्ठी करने वाली चीज़ है वह शब्द की कमाई है वह नाम की कमाई है। बाकी तो सब कुछ असी इत्थे ही छड़ के चले जाना है। बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। गुरु साहब कहते किसी चीज़ ने तेरे दुनिया चो साथ नहीं जाना। जदों भी तू मुक्ति हासिल करेगा केवल शब्द की कमाई करके केवल नाम की कमाई करके। इसे वास्ते किसी महात्मा की बाणी पढ़ के देख लो पत्रा पत्रा तुक तुक उस शब्द की महिमा करती है उस नाम की महिमा करती है। स्वामी जी महाराज के समझाने का मतलब है कि साडा जड़ा रूहानी सफ़र है पैरों के तलियां तो लैके सिर की चोटी तक है। इस सफ़र दियां दो मंजिलां हैं, एक अखां तक है एक अखां तो उपर है। जिस्म के अंदर जड़े रूह और मन की जगह है जिन्हों आपने 10वीं खिड़की कह के याद किया है। कोई इसनों कर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है। मुसलमान फकीर ने नुक्ता सफेदा कह के बयान किया है। वो जगह हर एक दे अखां पिछे है। इथों अपना ख्याल उतरता है। 9 द्वारे दो अखां हैं, दो कन्न दे सौराख हैं, नक दे सौराख हैं, मूँह है हेठां दो इंद्रियां दे सौराख हैं। इन्हां 9 द्वारियां के जरिए साडा ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। इत्थे बैठे देखो आपां नूं बाल बच्चों का ख्याल आउंदा है, घर दे कारोबार का ख्याल आउंदा है, दुकान दे ग्राहकां का ख्याल आउंदा है। मन कदे किसी का निचला नहीं बैठता, किसी ना किसी चीज़ की सोच और विचार विच ही लगा रहिंदा है। ये जड़ा सारा दिन साडे मन नूं सोच और विचार करन दी आदत पई हुई है। इसे नूं महात्मा सिमरन करना कहिंदे हैं। सिमरन करन दी कुदरती हर एक नूं आदत पैदा हो चुकी है। आपां कितनियां देड़ियां कोठड़ियां अंदर क्यों ना बंद कर रहीए, असी साडा मन उत्थे नहीं हुंदा, सारी दुनिया दे अंदर फैलिया होया हुंदा है। और जिसदा भी सिमरन करते हाँ उहदी शक्ल भी साडी अखां अगे आ जांदी है। अगर पुत्रां तियां दा सिमरन करते हाँ पुत्र तियां अखां अगे चले जाणगे। अगर घर दे कारोबार का सिमरन करते हाँ घर दे कारोबार अखां अगे चले जाणगे। इसनूं महात्मा ध्यान धरना कहिंदे हन। जिसका भी कोई सिमरन करता है उससे दा वो ध्यान धरना शुरू कर दिंदा है। जिसका सिमरन करते हाँ ध्यान धरते हाँ कुदरती तौर पर आहिस्ता आहिस्ता उसके नाल साडा मोह पैदा हो जाता है, साडा प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन्हां शक्लां और पदार्थां नाल अपना मोह और प्यार पैदा हो जाता है। रात नूं सुपने भी सानूं उन्हां दे ही आउंदे हन। मौत दे वक्त उन्हां दियां ही शक्लां सिनेमे दे स्क्रीन दी तरह साडे अखां अगे आके खड़ियां हो जांदियां हन। जहां आसा तहां बासा, जिधर साडा आखिरी वक्त ख्याल हुंदा है असी दुनिया दे जीव उस ही रौह विच बहना शुरू कर दिंदे हां। केड़ी चीज़ सानू बार बार देह दियां बंधनां विच लिआई, दुनिया दा मोह और प्यार लिआया, किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन्ना चीज़ां ने सिमरन और ध्यान ने देखो जिन्हां ने नाश हो जाना है, जिन्हां ने फना हो जाना है। जो कुछ भी दुनिया अंदर अखां नाल देखते हाँ सब ने नाश हो जाना है, सब ने फना हो जाना है। सो महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान दी तो कुदरती हर एक नूं आदत पैदा हो चुकी है। इस वास्ते इस आदत तो फायदा उठाना चाहिए है। सिमरन नूं सिमरन कटेगा, ध्यान नूं ध्यान कटेगा। लेकिन तुसी उस चीज़ का सिमरन करो, उस चीज़ का ध्यान करो जिसने कदे नाश नहीं होना, जिसने कदे फना नहीं होना। वो कौन है? सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है। महात्मा सानू उस मालिक दे नाम का सिमरन करन दा तरीका दसदे हैं। असी उन्हां गुरमुखां दे समझाउण दे मुताबक अपने फैले हुए ख्याल नूं फिर 9 द्वारियां चो वापस लिया के अखां पिछे इकट्ठा करना है। जदों इत्थे ख्याल इकट्ठा करते हैं टिकदा नहीं। इनू हमेशा तो इंद्रियां दे नीचे दौड़न की उस तरफ आदत पई हुई है। जितना चिर किसी ना किसी के स्वरूप का आप ध्यान नहीं देंगे उतना चिर साडे मन नूं इत्थे टिकण की आदत पैदा नहीं होंदी। किस दे स्वरूप का ध्यान देना है, क्योंकि जिसते भी स्वरूप का ध्यान देवांगे उसे नाल साडा प्यार पैदा हो जाना है, उसे दी सानू शक्ल अख्तियार करनी पैनी है। हुण मालिक दी तां सानू शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, जिसनों कदे देखिया ही अज तक जिंदगी नहीं, और ध्यान कैसा। इस वास्ते होर किहड़ी चीज़ साडे ध्यान धरन दे काबल हो सकती है। असी देखते हाँ सब दुनिया दीयां चीज़ां पंजां तत्तां दीयां बणीआं होईआं हन। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, जो कुछ भी पंजा तत्तां दा बनिया होया है तुसी देखदे हो, सब ने नाश हो जाना है, सब ने फनाह हो जाना है। सो इस वास्ते इस जो कुछ पंजा तत्तां दा बनिया है इहदे अंदरों कोई भी चीज़ साडे ध्यान धरन दे काबल नहीं हो सकदी। हुण इंसान भी किसी दा ध्यान नहीं धरदा, क्योंकि वह भी साडे वर्गे एक जैसे हैं। और होर कोई मंझां गाइयां की बोली समझ नहीं आती, देवे देवते देखे नहीं, मालिक की शक्ल का रंग रूप का पता नहीं। इस नुकते और पॉइंट पर आके बड़ी सोच में पै जाते हैं, आखिर इस रचना अंदर किहड़ी चीज़ साडे ध्यान धरन के काबल हो सकती है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते सन कि अगर एक कमरे के अंदर बहुत सारे रेडियो रख दईए जिन्हां दा कनैक्शन किसी बिजली या बैटरी नाल ना होवे, असी कदे भी किसी मुल्क दीयां खबरां नहीं सुन सकते। अगर उन्हां दा कनैक्शन बिजली या बैटरी नाल कर दईए असी किसी मुल्क दीयां खबरां सुन सकते हैं। असी उन्हां मालिक दे भगतां और प्यारियां दी खोज करनी है जिन्हां दी लिव, जिन्हां दा ख्याल उस परमात्मा नाल जुड़िया होया है। असी उन्हां दे स्वरूप दा ध्यान धरदे हाँ, वो अपने भगती और प्यार दे बद्धे होए वापस जाके उस परमात्मा में समा जाते हैं। असी भी उन्हां दे भगती और प्यार दे बद्धे होए उस परमात्मा में जाके समा जाते हैं, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा असली स्वरूप हुंदा है वो शब्द हुंदा है, वो नाम हुंदा है। इसे वास्ते स्वामी जी ने कहा सी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी है। साडा जिहड़ा असली गुरु है वो शब्द है, वो नाम है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी शब्द गुरु सुरत धुन चेला। वो शब्द हर एक का गुरु है, साड़ी आत्मा उस शब्द की सेवक है। लेकिन जितना चिर सेवक गुरमुखां दे जरिए अपने ख्याल नूं अंदरों शब्द दे नाल नहीं जोड़दा, वो शब्द सेवक की आत्मा नूं खिच नहीं सकदा। कबीर साहब ने कहा सी दे शब्द मिलावा होत है, दे मिलावा नहीं। जिसम ने उत्थे नहीं पहुँचना, शब्द ने ही सानू खिंच के वापस जाके मालिक नाल मिलाउणा है। इस वास्ते असी गुरमुखां दे स्वरूप का ध्यान धरते हाँ कि उन्होंने वापस जाके उस परमात्मा के अंदर समा जाना है। असी भी उन्होंने प्यार दे बद्धे होए उस परमात्मा के अंदर जाके समा जाते हाँ। इस वास्ते स्वामी जी ने कहा सी गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। क्योंकि गुरमुखां नूं असी देखिया है, ध्यान असी उस महात्मा का कर सकते हाँ जिस महात्मा नूं असी देखिया होवे। जिन्हों कदे देखिया ही नहीं वो तो साडे वास्ते ऐसा ही है जैसा साडे वास्ते परमात्मा है। इस वास्ते असी उन्हां गुरमुखां दे स्वरूप का ध्यान धरते हाँ जिन्हां नूं असी देखिया होवे। सो ध्यान दे जरिए सानू ख्याल नूं अखां पिछे टिकण की आदत पैंदी है। जदों ख्याल इत्थे टिकदा है ये क्योंकि हमेशा तो इन्हों टिकण की आदत नहीं है, ज़्यादा अरसा असी सिमरन और ध्यान के जरिए अखां पिछे ख्याल इकट्ठा नहीं रख सकते। तुसी देखो अगर एक दरिया बह चलिया आ रहा है, तुसी उहदे डैम बनाउणा चाहुंदे हो, किसी हद तक तुसी उहदा डैम बना के पानी पिछे सारा इकट्ठा कर लवोगे, दरिया अगों बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। लेकिन जदों कैचमेंट एरिए के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो इतना जोर मारेगा कि वो डैम नूं भी तोड़ देगा, दरिया दियां कंढियां तो भी चले जाएगा। अगर डैम बना के असी होर नहर कढ़ दईए, होर अच्छी तरह होर दरिया का रुख दूसरी तरफ बदल दईए, वो डैम भी कायम रहिंदा है और पानी भी दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिंदा है और पहला दरिया के किनारे भी खुश्क रहिंदे हैं। इस तरह सिमरन और ध्यान के जरिए असी इत्थे डैम कायम करते हाँ ताकि मन नू इंद्रियां दे भोगा तो नीचे जान दी आदत बंद हो जाए। लेकिन हमेशा वास्ते असी मन नू इत्थे सप्रेस नहीं कर सकते। सो महात्मा समझाते हैं अखा पिछे हर एक दे अंदर परमात्मा ने मिठी तो मिठी सुरीली तो सुरीली आवाज़ अखा पिछे रखी हुई है। वो हर एक दे अंदर इत्थे दिन रात तुनकारा दे रही है। असी उस आवाज़ को अपने अंदरों सुनना है जिसनों इत्थे स्वामी जी महाराज अनहद शब्द कह के याद करते हैं। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द वजावणिया। अखा तो नीचे नीचे नहीं है, ये मुक्ति का दरवाज़ा है। उस दी निशानी की है, उत्थे अनहद शब्द वजदा है। वजन का मतलब उत्थे अनहद शब्द दी तुनकार तुना उठन लगियां हुई हैं, अनहद शब्द की आवाज़ उठन लगी हुई है। असी अखा पिछे आके उस अनहद शब्द की धुन सुनना है, उस निर्मल नाद नू अपने अंदरों पकड़ना है। और अंदर ज्योति भी है और अंदर प्रकाश भी है, क्योंकि आवाज़ के जरिए अंदरों घर का रुख कायम करना है, प्रकाश के जरिए अंदरों रूहानी सफर तय करना है और मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर पहुँच जाना है। इस वास्ते हर एक महात्मा जिथे शब्द की आवाज़ का जिक्र करता है उत्थे शब्द के प्रकाश का भी जिक्र करता है। उन्होंने आम संतां महात्मा ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कह के याद किया है। स्वामी जी महाराज उसनों धुन आत्मिक नाम कह के समझाते हैं। ये जिहड़े साडे लफज हैं ये वर्णात्मिक शब्द हैं जिहड़े आपो अपने प्यार विच आके असी परमात्मा दे नाम रखे हुए हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, हरिओम, राधा स्वामी, परमात्मा, परमेश्वर वगैरह, क्योंकि लिखण विच आ जाते हैं, पढ़न विच आ जाते हैं, बोलन विच आ जाते हैं। देखो साडे कितने मुल्क हैं, कितनियां जबानां हैं, एक एक जबान दे अंदर कितने कितने लफजां नाल आपां परमात्मा नूं याद करते हैं। इस वास्ते ये सारे ही साडे मीनस हैं, वो साडा एंड और ऑब्जैक्ट है। इन्हां लफ्जां दी तुसी हिस्ट्री ट्रेस कर लवोगे, म्याद मुकर्रर कर लवोगे, लेकिन वो तुनात्मिक नाम, वो सच्चा नाम जिसने दुनिया की रचना पैदा की है, जिसके आधार खंड ब्रह्मंड खड़े हैं, और हिस्ट्री कौन ट्रेस कर सकता है और मियाद कौन मुकर्रर कर सकता है। सो महात्मा वो सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, वो सच्चे नाम की महिमा करते हैं। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी बिन शब्दे अंतर अनेरा, न वस्त लहे न चुके फेरा। उस शब्द की कमाई तो बगैर ना तो थोड़े अंदरों कदे अज्ञानता का अंधेरा दूर होना है, ना थानू कदे परमात्मा मिलना है, ना थोड़ा कदे देह दियां बंधना तो छुटकारा होना है। गुरु साहब कहते शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वाह। जिहड़े उस शब्द के अंदर जज्ब हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, मर जाते हैं, हमेशा वास्ते मर जाते हैं, उन्होंने बार बार मरना नहीं पैंदा। गुरु साहब कहते शब्द मरे मन निर्मल संतो, ये पूजा थाए पाई। जदों शब्द के अंदर जज्ब और लवलीन होकर मन नू निर्मल और प्योर और पवित्र कर लवोगे, ये असली मालिक की भगती है। इस भगती ने तुहानू तुहाडे ठिकाने ते पहुँचाना है। सो महात्मा साडे ख्याल नू उस शब्द दे नाल जोड़ते हैं, उस नाम दे नाल अंदरों जोड़ते हैं। वो बाहर मुखी कर्म कांड विच नहीं फसाउंदे। वो ये नहीं कहते कि ग्रंथ पोथियां वेदां शास्त्रां दे पढ़न दे अंदर मुक्ति है, सरोवरां दे इशनान करन दे अंदर मुक्ति है, जपता पूजा पाठ करन दे अंदर मुक्ति है, तीर्थ यात्रा करन दे अंदर मुक्ति है। वो समझाते हैं जो कुछ तुहानू प्राप्त होना है शरीर दे अंदरों होना है, देह और वजूद दे अंदरों होना है। इसे वास्ते आपने कहा सी गुरमुख होए सो काया खोजे, होर सब परम भुलाई। जिहड़े मालिक दे आशिक हैं, मालिक दे भगत और प्यारे हैं, वो हमेशा देह दे अंदर वड़ के हर चीज़ की खोज करते हैं। वो बाहर मुखी साधना कर्म कांड दे अंदर कदे नहीं फसते। सो स्वामी जी महाराज समझाते हैं अगर तुसी मुक्ति हासिल करना चाहते हो, मालिक नू मिलना चाहते हो, अपने अंदरों उस अनहद शब्द की खोज करो। गुर कहे खोल कर आई, लग शब्द अनहद जाई, बिन शब्द पाओना दूजा काया का छुटे ना पूजा। हुण मन विच ख्याल आउंदा है कोई होर भी साधन ऐसा है, कोई होर भी ऐसा तरीका है जिस दे जरिए असी मुक्ति हासिल कर सकिए, दे दिया बंधना तो आज़ाद कर हो सकिए। स्वामी जी बड़ा एम्फेटिकली कहते हैं बिन शब्द पाओ न दूजा। अच्छी तरह इस चीज़ को मन विच बिठा लो कि शब्द और नाम की कमाई तो बगैर कोई होर दूजा तरीका नहीं है, अपाओ नहीं है कि तुसी दे दिया बंधना तो छुटकारा हासिल कर सको। गुरु नानक साहब ने कहा सी अनक कर्म किए बहु तेरे जो कीजे सो बंधन पड़े। जो भी मन बुद्धि नाल मालिक दे मिलन दे असी तरीके और साधन सोचते हाँ, अच्छी तरह मजबूती दे नाल सानू जंजीरां अंदर जकड़ दिंदे हैं। क्यों जकड़ दिंदे हैं? क्रुता बीज बीजे ना जन्मे सब लाहा मूल गवाईंदा। अगर जमीन दे अंदर तुसी हमेशा बेमौसमा बीज ही पाउणा है, वह फसल तुहाडे किस तरह घर आ सकती है? कितनी तुसी खाद पा लो, पानी दे लो, हल चला लो, जितना चिर मौसम का बीज नहीं बीजोगे फसल कदे किसी के घर नहीं आती। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग के अंदर आके अगर किसी महात्मा ने खोल के होका दिता है, वो शब्द का होका दिता है, नाम का होका दिता है। स्वामी जी कहते शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए, बिन शब्द अपाओ न दूजा। ना इसे वास्ते आप फरमाते हैं शब्द प्रताप काल को जीत। अगर तू काल के दायरे तो पार होना चाहता है, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इत्थों तक गुरु नानक साहब कहते बिन नामे होर पूज ना हुई परम पुली लोकाई। नाम की कमाई तो बगैर तो मालिक की कोई भगती ही नहीं है, मालिक की कोई पूजा ही नहीं है। एवें लोग कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। गुरु साहब कहते नाम वसाल चले अनमार्ग अंतकाल पछताई है। तुसी नाम की कमाई करन दा तरीका छड़ के जेड़े भी रस्ते ते चलन की कोशिश करोगे, अखीर मौत दे वेले तुहानू पछताउणा पवेगा। मैं तो एवें अपने कीमती वक्त नू फजूल गल्लां विच फस के जाया कर दिता। पहली पातशाही दी बाणी है नामे तुलना पुजी सब डिठी ठोक वजाए। गुरु साहब कहते मैं कोई सुनिया सुनाइया पढ़िया पढ़ाइया गल्लां तुहानू नहीं दसदा, मैं ठोक वजा के जाती तजर्बा तुहानू समझाउण लगा होया हाँ कि कोई चीज़ कदे नाम भगती का मुकाबला नहीं कर सकती। इत्थों तक कबीर साहब ने नाम की महिमा की है। नाम जपत कोड़ी भला चोए चोए पड़े जिस चाम कंचन दे किस काम की जिस मुख ना ही ना। तो आप समझाते हैं अगर कोई कोड़ी जिसके कोई नज़दीक बैठन नूं जिसके नाल कोई गल करन नूं तैयार नहीं है, अगर वो शब्द और नाम की कमाई विच लगा होया है, वो लख दर्जे उस शख्स नालों चंगा है जिहड़े सोने दी दे के सब दुनिया के हार शंगार लई बैठे हैं, मालिक नूं भुले बैठे हैं। इस वास्ते महात्मा ने पुकार पुकार के उस शब्द की महिमा की है, उस नाम की महिमा की है। इस वास्ते स्वामी जी कहते अच्छी तरह इस चीज़ नूं मन विच बिठा लो। होर कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है कि तुसी दे दिया बंधना तो छुटकारा हासिल कर सको। बिन शब्द पाओ ना दूजा काया का छुटे ना पूजा। कार में कार गोर दिखलावे तोन शब्द पांच बतलावे। समझाते हैं घर में घर ये घर केड़ा है? साडा शरीर है। दूसरे किड़े घर का जिक्र करते हैं? जिथे परमात्मा रहिंदा है। आप दे समझाने का मतलब कि जिस परमात्मा की तुहानू खोज है, जिस परमात्मा नू तुसी मिलना चाहते हो, वो घर के अंदर है, वो शरीर के अंदर है, वो देह के अंदर है, वो वजूद के अंदर है। वो इट्टां पत्थरां चों नहीं मिलना, सरोवरां चों नहीं मिलना, जंगलां पहाड़ां चों नहीं मिलना। इसी वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछानो। भरावा तो 24 घंटे तेरे नाल तुरया फिरदा है, तेरे शरीर अंदर बैठा होया है। गुरमुखा को जाके शब्द की कमाई करके अपने अंदरों उस परमात्मा को पहचानने की कोशिश कर। लेकिन इस घर में बैठ के उस घर की खोज असी किस तरह कर सकते हाँ, उस वापस अपने घर किस तरह पहुँच सकते हाँ। गुरदखलावे गुरमुख तरीके का समझाते हैं, गुरमुख साधन समझाते हैं, उस रस्ते ते पाते हैं। किहड़े रस्ते ते पाते हैं? तुन शब्द पांच बतलावे। वो समझाते हैं कि सचखंड तो शब्द उठता है, हर एक दे अखां पिछे दिन रात तुनकारा देन लगा होया है, क्योंकि वह पंजा मंजिलों विच दी होके आ रहा है। इस वास्ते आम संतां महात्मा ने उसको पंज शब्द और पंज नाम ही कह के समझाने की कोशिश की है। वैसे तो वो इको शब्द है, क्योंकि हर एक मंजिल के अंदर उसकी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ है। इस वास्ते आम महात्मा ने कई महात्मा ने उसको शब्द और नाम कह दिता है। तुसी देखो दरिया एक जगह तो निकलता है, समुंदर में जाके समा जाता है। जिथों निकलता है उसकी होर किस्म की आवाज़ होती है, जदों खड्डां विच दी गुजरता है वो आवाज़ ही बदल जाती है। जिस वक्त आबशार बन के नीचे गिरता है फिर आवाज़ बदल जाती है। जिस वक्त तो मैदान में फैलता है फिर आवाज़ बदल जाती है। जिस वक्त तो समुंदर में समाता है फिर आवाज़ बदल जाती है। लेकिन दरिया शुरू तो रह के अखीर तक इको ही होता है। इसे तरह वो शब्द इको ही है जिहड़ा सचखंड तो उठ के अखां पिछे तुनकारा दिंदा है, क्योंकि पंजां मंजिलां विच दी होके आउंदा है। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने, होर कई संत महात्मा ने, मुसलमान फकीरां ने भी उसनूं पंज नौकता कह के याद किया है। सो इस वास्ते फरमाउंदे हन कि जदों तुसीं गुरमुखां दी संगत करोगे, गुरमुखां दी सोबत करोगे, वो तुहानूं समझाउणगे कि जिस परमात्मा दी तुहानूं खोज है वो तुहाडे शरीर दे अंदर है, देह और वजूद दे अंदर है। तुहानूं रस्ता दसणगे, तरीका समझाउणगे किस तरह अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करके उस शब्द नूं पकड़ के मंजिल दर मंजिल वापस किस तरह तुसीं अपने घर पहुँचना है। कार में कार गोर दिखलावे, तोन शब्द पांच बतलावे, तोन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। आप उपदेश करते हैं कि जितना चिर परमात्मा ने सानू इस देह विच बैठने का मौका दिता है, सानू अपने असली घर की खोज कर लेनी चाहिए है। क्योंकि ये जड़ी देह है तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। 60 साल बाद छड़नी पैंदी है, 70-80 साल बाद छड़नी पैंदी है। किसी की अग्नि दे सपुर्द होकर रह जाएगी, किसी की मिट्टी दे सपुर्द होकर रह जाएगी, फिर किसी को मिले मिले ना मिले ना मिले। जदों भी असली घर की आप खोज कर सकते हाँ, इंसान के जामे में आके ही कर सकते हाँ। सो इस जामे तो स्वामी जी कहते थानू पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए है। इस 84 लाख जिया ज्यों चों निकलण का इक्को दरवाज़ा मालिक ने रखा है, वो इंसान का जामा है। इसे वास्ते मालिक मौका दिंदा है कि इस तो फायदा उठा के तुसी परमात्मा की भगती करो। इस वास्ते कहंदे इस घर से उस घर जाओ। जितना चिर थानू देह विच बैठने का मौका दिता है, थानू असली घर की खोज कर लेनी चाहिए है। अगर नहीं खोज करोगे फिर थानू वापस 84 के जेल खाने में जाना पवेगा। पता नहीं किन्ना नू जाके माता पिता कहना पवेगा, या कित्थे जाके जन्म लेना पवेगा, किड़े किड़े जाके 84 के जेल खाने में दुख भुगतने पैणगे। फिर पता इंसान का जामा मिले मिले ना मिले ना मिले, या ऐसी जगह जन्म हो जाए जिथे पुले पटके भी किसी का ख्याल नहीं जोड़ सकता। इस घर चो उस घर इक्को तरीका पहुँचने का है। आप फरमाते हैं इस घर से कि तुन में अब सुरत लगाओ, कि अखां पिछे आके शब्द नू पकड़ो, नाम नू पकड़ो। जदों भी इस घर च बैठ के उस घर पहुँचना है, इक्को ही सीढ़ी है, इक्को ही पौड़ी है, जिसके जरिए तुसी अपने घर पहुँच सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। इस वास्ते कहते अंदरों उस तुन नू पकड़ लो, अंदरों उस शब्द की आवाज़ नू पकड़ लो। तोन में अब सुरत लगाओ, इस कार से उस कार जाओ। वह कार है अगमाया पारा, दसवें के पार निहारा। दस द्वारा काट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पे तोलो। समझाते हैं अखा तो नीचे नीचे इंद्रिया के भोग हैं, विषया वकारा शराबा कबाबा दियां लस्तां हैं। जिहड़ा मुक्ति का दरवाजा परमात्मा ने लगाया है वह सब दे अखा दे पिछे लगाया होया है। जितना अरसा किसी नूं अपने घर का दरवाजा ही नहीं मिलता, तुसी सोचो घर के अंदर किस तरह दाखिल हो सकेगा। जितना चिर किसी नूं किले का दरवाजा नहीं मिलता, वह किले के अंदर दाखिल किस तरह हो सकता है। इसे वास्ते क्राइस्ट ने कहा सी सीक ये शैल फाइंड, नॉक इट शैल ओपन। और ये खोज करो, परमात्मा जरूर दया मेहर बख्शिश करेगा। उस दरवाजे को टोन के अच्छी तरह खड़काओ ताकि दरवाज़ा खुले और तुसी घर के अंदर जा सको। ये नॉक करना की है, सिमरन और ध्यान के जरिए बार बार फैले हुए ख्यालों अखा पिछे इकट्ठा करना है। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना बनिया। जदों तुसी नवां दवारियां चो ख्याल कढ़ के अखां पिछे इकट्ठा करोगे, उस नुकते और पॉइंट ते हर एक दे अंदर अनहद शब्द दिन रात तुणकारा दिंदा है। गुरु साहब कहंदे दिन नूं भी वजदा है, रात नूं भी वजदा है। आ जिहड़े बाहर दे असीं तबले सरंगियां ढोलकियां बजाउने हैं, 4-5-6 घंटे बजा लवोगे, कितना किचर बजा लवोगे। लेकिन गुरु साहब कहंदे जिस अनहद शब्द की मैं जिक्र करदा हाँ और कदे बंद ही नहीं हुंदा, वो रात नूं भी तुहाडे अंदर तुनकारा दिंदा है, दिन नूं भी तुहाडे अंदर तुनकारा दिंदा है। सो जितना चिर उस अनहद शब्द नूं असीं अंदरों नहीं पकड़दे, साडा देह दियां बंधना तो किसी हालत अंदर साडा छुटकारा नहीं हो सकता। दस द्वारा काट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पे तोलो। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। सारे शब्द का बल्कि तालीम का जिस्ट बयान करते हैं कि बिन मेहर गुरु नहीं पाए। असी अपनी मन बुद्धि नाल ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ के कितना अपने अंदरों उस परमात्मा की खोज क्यों ना करते रहिए, असी कदे भी कामयाब नहीं हो सकते। सानू गुरमुखां दी संगत करनी पवेगी, गुरमुखां दी सोबत करनी पवेगी। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। अनक अपाओ करे नहीं पाए, बिन सतगुर सरनाई। जिस परमेश्वर ने सानू पैदा किया है, उन्हें नाम रूपी दौलत साढ़े अंदर साड़ी ही खातर रख के उसका भेद गुरमुखां दे हवाले कर दिता है। मन बुद्धि नाल कितना उस चीज़ नूं ढूंढण की कोशिश करिए, असी कदे कामयाब नहीं हो सकते जितना चो गुरमुखां दे दसे हुए उपदेश उत्ते नहीं चलते। मैं हमेशा अर्ज करदा हाँ, गुरमुखां ने कोई चीज़ साढ़े अंदर घोल के नहीं पाउणी। वो परमात्मा साढ़े अंदर है और उसके मिलन का रस्ता भी साढ़े सारियां दे शरीर के अंदर है। इसे वास्ते पीखे ने कहा सी पीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोल ना जान सी तां पै कंगाल। मालिक ने दुनिया अंदर किसी नूं भूखा नहीं रखिया, सब दे अंदर लाल रूपी दौलत रखी हुई है। क्योंकि सानू अंदर वड़न का तरीका और साधन पता नहीं लगता, इस वास्ते कंगाला वांगू आपां तड़फदे और पटकदे फिरदे हाँ। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाते हैं। वो जोड़ा शब्द की कमाई करने का तरीका है वह केवल गुरमखा तो ही पता लगता है, साधु संतां महात्मा तो ही पता लगता है। और उस शब्द और कमाई तो बगैर असी अपने कर्मां का सिलसिला खत्म नहीं कर सकते। रूह और मन की गट खुल नहीं सकती, आत्मा निर्मल प्योर और पवित्र हो नहीं सकती, असी मालिक के मिलन के काबिल नहीं बन सकते। गुरु साहब बड़े सुंदर तरीके नाल समझाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पाए कोई। केवल सच्चे शब्द की कमाई करके सच्ची इज्जत क्या मालिक ने मिलन का आप फख्र हासिल कर सकते हैं। गुरु साहब कहते उस नाम की कमाई तो बगैर होर कोई मुक्ति हासिल करने का तरीका नहीं है। बिन सतगुर कोई नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। और गुरमुखा तो बगैर कितनी खोज कर लो उस नाम की, नाम तक ही हासिल करना है, सोझी और समझी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों नाम की लज्जत हासिल नहीं कर सकते? मालिक ने अपने मिलन का कुदरती कानून बनाया होया है। इस वास्ते इत्थे स्वामी जी महाराज प्यार नाल समझाते हैं कि गुरमुखां दी बख्शिश तो ही सानू शब्द और नाम की कमाई करने का तरीका पता लगता है। और शब्द और नाम की कमाई करके ही साढ़े कर्मां का सिलसिला खत्म होता है, असी वापस जाके मालिक नू मिल सकते हैं। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। सुरत खात चढ़ाओ गगनी, तुन शब्द सुनो ये करनी। आप फरमाते हैं अपने घर पहुँचने वास्ते सिर्फ इको करनी की जरूरत है। केड़ी करनी दी? कि सुरत नूं अखां पिछे लिया के शब्द दे नाल जोड़ो। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना राम बन गए। जो किसी ने तरीका दसिया वो करना शुरू कर दिता, कोई ना कोई तरीका तो मालिक नाल मिलावेगा। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अगर हर तरफ ही अपने ख्याल नूं फैला रखांगे तुसी देख लो आपां कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सानू वन पॉइंटेड होके उस शब्द दे नाल ख्याल जोड़ना पैंदा है। फिर जप तप पूजा पाठ पुण्य दान का जो भी फल है सब शब्द की कमाई विच आ जाता है, सब नाम की कमाई विच आ जाता है। तुसी देखो जो दिन रात साड़ी जबान ते सिमरन चढ़िया होया है, इस तो वड्डा होर जप केड़ा हो सकता है? जो मालिक के हुक्म मालिक की रजा और पाने में रहने हाँ, इस तो वड्डा होर तप केड़ा हो सकता है? जो महात्मा के स्वरूप में 24 घंटे प्यार के नाल लई फिरदे हाँ, इस तो वड्डी होर पूजा किहड़ी हो सकती है? जो अनहद बाणी नूं अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करके सुनन लगे होए हाँ, इस तो वड्डा होर पाठ किहड़ा हो सकता है? जो अमृत नूं इत्थे आके दिन रात पीण लगे होए हाँ, इस तो वड्डा होर विराग किहड़ा हो सकता है? ना घर बार छड्डण दी लोड़ है, ना पुत्रां धीआं नूं त्यागण दी लोड़ है, ना कौम बदलनी है, ना मजहब बदलनी है। दुनिया विच रहना है, सूरमे और बहादुर बन के रहना है। सिमरन और ध्यान दे जरिए अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करके शब्द की लज्जत हासिल करनी है, नाम की लज्जत हासिल करनी है। सुरत खात चढ़ाओ गगनी, तुन शब्द सुनो ये करनी। मन चंचल थिर ना रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। हुण आप मन के मतलब समझाते हैं कि साढ़े और मालिक के दरम्यान अगर कोई रुकावट और पर्दा है, केवल अपने मन की रुकावट है, मन का पर्दा है। जितना चिर मन साडा निर्मल प्योर और पवित्र नहीं होंदा, साडी आत्मा कदे भी मालिक के मिलन के काबिल नहीं बन सकती। इसे वास्ते स्वामी जी ने कहा सी, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना घटना। दुनिया अंदर बड़े बड़े सूर में बहादुर लोग होए हन, हिस्ट्रियाँ उन्हों दी बहादुरां नाल भरियां होईयां हन, लेकिन उन्हां तो भी ज़्यादा एक बहादुर और सूरमा है जिहड़ा अपने मन ते काबू पा लैंदा है, अपने नफस ते काबू पा लैंदा है। इस वास्ते स्वामी जी समझाउंदे हन कि साडा दुश्मन ही मन है और पता नहीं इन्हें किहड़े वेले धोखा दे देना है, किहड़े वेले उंगलियां ते लचाउणा शुरू कर देना है। अगर एक तालाब दे अंदर पानी गंधला है, पानी विच लहरां उठण लगियां हुईयां हन, तुसीं देखो कदे असीं अपनी शक्ल नहीं देख सकदे। इससे अगर मैल बैठ जाती है, पानी टिक जाता है, असीं अपनी शक्ल देखने शुरू कर देंगे हाँ। साडे मन के अंदर विशियां बकारां शराबां कबाबां दीयां लहरां दिन रात उठण लगियां हुईयां हन। साडा मन पुत्रां धीआं कौमां मसमां मुल्कां दी भगती करके अति गंदा अति मैला हो चुका है। असीं अपने आप नूं किस तरह पहचानण दे काबिल बन जाते हैं? जदों मन निर्मल हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, असीं अपने आप नूं पहचानण दे काबिल बन जाते हैं। सो इस वास्ते स्वामी जी कहते थानू सब तो पहला अपने मन नूं काबू करना चाहिए है। आपको अपनी अकल के मुताबिक थानू पता है हज़ारां ही जुगतियां और तरीकियां दे नाल आपां मन नूं काबू करदे हाँ। जप तप करदे हाँ, पूजा पाठ करदे हाँ, पुन्न दान करदे हाँ, घर बार छड़ के जंगलों पहाड़ों में छुप के बैठ जाते हाँ। ये सारे साधन सारे तरीके केवल आपां मन नूं ही काबू करने वास्ते करदे हाँ। असीं हठ कर्मां दे जरिए डिसिपलिन के जरिए जबरदस्ती ख्याल नूं दुनिया चों कढदे हाँ। अगे लगता नहीं दुनिया में रिएक्ट और रिबाउंड करना शुरू कर देता है। किस तरह मन को निर्मल कर सकते हाँ, प्योर कर सकते हाँ, पवित्र कर सकते हाँ, आप अगे इशारा करते हैं। मन चंचल थिर ना रहावे, कित निर्मल कस होए आवे, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब तारना। आप समझाते हैं मन को काबू करने का केवल एक तरीका है, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब तरना। सिर्फ अपनी सुरत को अंदर शब्द के नाल जोड़ो, बाकी हर तरफों अपने ख्याल को कट दो। यो पहली पातशाही ने कहा सी, राम नाम मन बेद्या अवर की करे विचार। ये जड़ा मन थोड़ा विषयां वकारां विच फस के दिन रात हिरन की तरह भटकदा और तड़फदा फिरदा है, जदों भी बिन्निया जावेगा काबू आवेगा राम नाम नू पकड़ के। राम नाम तो गुरु साहब का कोई लफज नहीं है, वो ताकत है जिहड़ी हर एक दे अंदर रमी हुई है, रची हुई है। जदों असी उस दे अंदर रम जाते हाँ, रच जाते हाँ, मन निर्मल हो जाता है, प्योर और पवित्र हो जाता है। गुरु साहब समझाते हैं कि मेरा राम नाम तो की मतलब है, शब्द सुरत सुख उपजे प्रभ रातो सुख सार। गुरु साहब कहते राम नाम तो मतलब है जो सुरत शब्द का अभ्यास करके तुसी मालिक दे भगती दे रंग विच रंगे जावोगे, मालिक दे प्यार दे रंग विच रंगे जावोगे, दुनिया दे मन तो सारे रंग रचना दे उतर जाणगे, तां जाके तुहानू किते सुख दे स्वाद प्राप्त होने हैं। सो जिहड़ी चीज़ नूं पकड़ के असीं मन नूं निर्मल करना है वो केवल शब्द की कमाई है। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। गुरु साहब कहते सच जे नाम दे नाल मन नूं जोड़ के हमेशा वास्ते तुसीं इहनूं निर्मल प्योर और पवित्र कर सकते हो, दे दियां दुखा तो हमेशा वास्ते बच सकते हो। इस वास्ते आप फरमाउंदे हन इक्को तरीका है मन नूं काबू करन दा, शब्द दे नाल जोड़ के रखो, नाम दे नाल जोड़ के रखो। सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब तारना, निश्चा दृढ़ इस पर तारना, आलस कर कभी ना फिरना। आप दो नसीहतां पेश करते हैं कि जो आपने समझाया है कि सुरत शब्द के जरिए ही थोड़े मन ने निर्मल प्योर और पवित्र होना है, तुसी मालिक नूं जाके मिलना है। इरते निश्चा करो, भरोसा करो, विश्वास करो, क्योंकि जितना चर मन ते निश्चा नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, साडा मन इन्हां वहमां भरमां संकल्पां बाहर मुखी साधना चो कदे नहीं निकलता। थानू पता होवे सड़क सीधी दिल्ली नू जांदी है, थोड़े मन में यकीन हो चुका है, सीधी मोटर दड़ाई जाते हो। अगर थोड़े मन में शक और डाउट है, कदम कदम ते खड़े होकर पुछते हो। पता होवे गड्डी है दिल्ली जानी है, चद्दर तान के सुते रहंदे हो। ना पता होवे हर स्टेशन तो बुड़बड़ा के उठते हो, पता नहीं केड़ा स्टेशन आ गया है, केड़ी तरफ तुरे जाते हैं। सो इस वास्ते स्वामी जी कहते भरोसा करो महात्मा ते, विश्वास करो महात्मा ते कि यो तरीका है थोड़े मन नू काबू करन दा। दूसरे समझाते हैं आलस ना करो, सुस्ती ना करो, कागज़ पेंसिल लैके अपने आप को धोखा देने की कोशिश ना करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ के लिख के बड़े हो जाएंगे, कारोबार विच लग जाएंगे, शादियां कर देंगे। असी डेले होके भज नहीं करना है, होर की करना है। हुण तो शायद घंटा डेढ़ घंटा बैठ भी सकते हाँ, फिर तो गोडे दर्द करने शुरू हो जाते हैं, जिसम कंबना शुरू हो जाता है, सिर कंबना शुरू हो जाता है और नक चो साह आना मुश्किल हो जाता है। पर कितने साढ़े को भजन ते बैठ हुंदा है। इस वास्ते कहते रोज़ भजन ते बैठना चाहिए है। मन लगे ना लगे फर्ज समझ के बैठो, ड्यूटी समझ के बैठो। फिर सानू मालिक की प्लैनिंग का की पता है, किड़े वेले भरे परिवार को छड़ के जाना पवेगा। इस वास्ते हर रोज़ तो सानू फायदा उठाना चाहिए है। निश्चय दृढ़ इस पर तरना, आलस कर कभी ना फिरना। ये सार सार सब गाया, संतन मत पाख सुनाया। सब कुछ बयान करके स्वामी जी कहते मैं थानू अनोखा जहा कोई उपदेश नहीं दे रहा, अनोखी जी फिलोसफी लैके थोड़े को नहीं आया। सार सार सब गाया, किसी महात्मा दे बाणी दी अच्छी तरह खोज करके देख लो, रिसर्च करके देख लो। हर एक महात्मा ने साढ़े अंदर शब्द और नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा किया है। कोई महात्मा कौम और मजहब बनाने नहीं आते, डंडे और तलवारां देने नहीं आते, केवल साढ़े अंदर शब्द और नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ लो, दादू जी की पढ़ लो, जगजीवन राम जी की पढ़ लो, तुसी पलटू साहब की पढ़ लो, कबीर साहब की बाणी पढ़ लो, तुसी दरिया साहब की बाणी पढ़ लो, किसे नाम के महात्मा की बाणी पढ़ लो। इस वास्ते पंजवीं पातशाही ने कितने महात्मा की बाणी दरबार साहब विच पाई है, ताकि सानू समझ आ जाए, सोझी आ जाए कि हर एक महात्मा का जरा निशाना है वो इको ही जगह ते है कि जो कुछ मिलना है वो शब्द की कमाई तो मिलना है, नाम की कमाई तो मिलना है। इस वास्ते स्वामी जी कहते सार सार सब गाया। जितने भी अज तक महात्मा आए हैं वो केवल शब्द की ही महिमा करते आए हैं, नाम की ही महिमा करते आए हैं। ये सार सार सब गाया, संतन मत पाख सुनाया। राधा स्वामी पेद लखाया, सुन मान सार समझाया। स्वामी जी महाराज ने हर पहलू तो बड़ी अच्छी तरह अपने उपदेश के मतलब समझा दिता। सानू भी चाहिए है आपके उपदेश तो फायदा उठा के अंदर सच्चे शब्द के नाल ख्याल जोड़िए, सच्चे नाम के नाल ख्याल जोड़िए। राधा स्वामी पेद लखाया, सुन मान सार समझाया।